Jio Financial Services Limited. So finally, circuit times are over and now we are looking for next update. So वैसे AGM में कुछ updates आ गए हैं, जो initial updates है उन्हीं को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे and opportunities are quite high. Though markets are trying to discount a lot of things quite positively, तो वहां पे normally retail investor trap होने की मतलब चांसेस होते हैं. दो आई थिंक द काइंड ऑफ नेटवर्थ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी उनके पास है तो उसके कंपैरिजन में वैल्यूएशंस आर नॉट क्रेजी. दो पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या रहे उसका तो ईपीएस देखो कितना कम है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कितना ज्यादा है. तो इस समय में अभी तो उनके नेटवर्थ पे ज्यादा फोकस करना होगा. उसके बाद जब बिजनेस रन होना शुरू करेगा फिर हम थोड़ा प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो या प्राइस टू बुक रेशियो ऑन ऑल दोस फैक्टर्स पे हम थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे बट नॉट नाउ. सो अभी चार मेन बिजनेसेस में फोरे करने वाले हैं वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है. पहला बिजनेस है रिटेल लेंडिंग का, दूसरा बिजनेस है एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी म्यूचुअल फंड बिजनेस, तीसरा बिजनेस है इंश्योरेंस बिजनेस जिसमें लाइफ इंश्योरेंस आता है, जनरल इंश्योरेंस आता है, हेल्थ इंश्योरेंस आता है तो इसमें भी वो फोकस करने वाले हैं. एंड फोर्थ इज डिजिटल पेमेंट्स. सो आई थिंक डिजिटल पेमेंट्स वाला जो बिजनेस है मुझे ऐसा लगता है आई थिंक इट इज फ्रॉम कस्टमर एंगेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी सही हो सकता है. सही में वहां पे कितना ज्यादा पैसा बनेगा आई रियली डाउट अबाउट दैट बट एंगेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया हो सकता है वो चीज. सो टिपिकली डिजिटल पेमेंट्स में जैसे हमने यूपीआई वगैरह के जो कंपनीज देखे हैं तो वहां पे उनको कुछ पैसा इनकम आता नहीं है बट वहां से आई थिंक एक कस्टमर बिहेवियर या कस्टमर स्पेंडिंग पैटर्न समझ के बहुत सारी अदर क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो सकती है. सो दैट्स व्हाई डिजिटल पेमेंट वुड बी अ मार्केटिंग एक्सपेंडिचर फॉर देम ऐसा मुझे अभी लगता है. दूसरा जो रिटेल लेंडिंग का बिजनेस है आई थिंक डेफिनेटली कंपटीशन बहुत ज्यादा है बट अपॉर्चुनिटीज आर ऑल्सो क्वाइट हाई. अगर हम क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो देखते हैं इंडिया का विच इज आर बिटवीन 50 to 55% एंड इन नेक्स्ट 10 years टाइम दिस विल गो टू 100%. मतलब क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो विल बी 100%. इट्स मतलब ये एक नेचुरल ग्रोथ जो है ओवरऑल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ वो तो ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है ही लेंडिंग बिजनेस में बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये 55% to 100% क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो जाता है तो वहां से भी एक अच्छा खासा ऑर्गेनिक ग्रोथ आएगा इन कंपनीज के पास. तो डेफिनेटली लेंडिंग इज अ बिजनेस आई थिंक वी नीड टू वॉच. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट रिलायंस ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप, मुकेश अंबानी इज रिलायंस ग्रुप, तो वहां पे क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है. कैसे? क्योंकि रिलायंस रिटेल ये बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो 25 करोड़ कस्टमर्स रिलायंस रिटेल के पास है एंड 44 करोड़ कस्टमर्स है जियो टेलीकॉम बिजनेस के पास जो रिलायंस का ही है. तो आई थिंक क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आर क्वाइट हाई. इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अगर यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे तो डेफिनेटली वहां पे आई थिंक एक्चुअली कस्टमर एक्विजिशन फॉर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वुड बी क्वाइट फास्टर. तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी लगती है मुझे लेंडिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं. अगर एसेट मैनेजमेंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो BlackRock के साथ उनका जॉइंट वेंचर हो रहा है सो ऑब्वियसली एक्सपर्टीज BlackRock लाएगा एंड कस्टमर्स रिलायंस या जियो एक्वायर करेगा. सो आई थिंक मुझे लगता है वहां पे अगर इंडेक्स इन्वेस्टिंग ETF इन्वेस्टिंग में अभी तक बहुत ज्यादा एग्रेसिव सिर्फ उसी में बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस किसी बड़े प्लेयर से अभी तक नहीं आया है. कहीं ना कहीं दोनों जगह पे पैर रख के बिजनेस चल रहा है कि भाई एक्टिवली मैनेज भी चलाएंगे पैसिव भी चलाएंगे एंड देन इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज डिफिकल्ट. तो वैनगार्ड वाला मोमेंट जो है क्या जियो की एएमसी जियो BlackRock एएमसी क्रिएट कर पाएगी क्या, ये भी देखने जैसा एक हो सकता है. दो जीरोधा इज ऑल्सो कमिंग विथ द एएमसी बिजनेस सो वहां से भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस मार्केट ने बिल्ड की हुई है. सो लेट्स सी. This is one space which will get developed a lot in next 10 years time. And यहाँ पे अब देखते हैं Reliance Jio कितना आगे जा पाता है. Now, the last business is insurance business. Obviously, I think penetration is quite low, underpenetrated है ये sector. और उसमें अगर आपके पास already बहुत सारे customers हो है और आप अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी का यूसेज करके, अच्छी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट का यूसेज करके, अच्छे तरीके से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप करने करके आप काफी अच्छा मार्केट शेयर गेन कर सकते हो. ब्रांड इज ऑलरेडी देयर, सो ट्रस्ट एंगल से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा. वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया अगर यहाँ पे उतरती है तो डेफिनेटली, या वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया अगर इस बिजनेस में आता है तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज आर क्वाइट हाई. सो देखते हैं क्या होता है. सो वैल्यूएशंस अभी भी हमारे पास कोई पैरामीटर के हिसाब से वैल्यूएशन करने की चांसेस मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है. So we'll have to wait for actual implementation of a lot of businesses and then we will see. But I think interest is there. Institutional investors का भी interest काफी अच्छा है. Passive funds को compulsorily वहाँ पे selling करनी पड़ रही है. Mandatory है वो because it will not be a part of an index. But active funds are still holding on to this. So it shows that potential तो है आगे जाके काफी ज़्यादा. So let's see. We'll wait for a few more quarterly updates also from the company. एंड देन एक अच्छी तरीके से और डिटेल एनालिसिस इस कंपनी के बारे में कर पाएंगे. करंटली वेट एंड वॉच इज द स्टैंड्स वी आर टेकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर काउंटर. रडार पे है, सो देखते हैं क्या होता है आगे जाके. सो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. If you need any help in portfolio management, investment advisory or investment execution, you can contact our relationship cell. Contact details are available on our website investyadnya.in. If you want to subscribe to our model portfolios are also available on website. उसके रिलेटेड भी अगर कुछ क्वेरीज है आपकी तो हमारे रिलेशनशिप सेल से बात कर सकते हो आप. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.